हेलो, आज मलाई से मक्खन निकाला जा रहा है और उसके बाद बच जाएगी छाछ यानी कि बटर मिल्क। पहले मैं बटर मिल्क से आटा गूंथती थी ताकि रोटियां नरम बने, पर आजकल मैं उससे पनीर बनाती हूँ। वो बहुत ही इजी तरीका है और पनीर जल्दी यूज़ हो जाता है मेरा। बटर मिल्क को मैंने मध्यम आँच पे गर्म करने रख दिया था। अब स्टीम उठने लगी है तो मैंने आधा नींबू यहाँ निचोड़ा है। अगर आपके पास विनेगर है तो एक चम्मच विनेगर डालिए, उससे काफ़ी फास्ट रिजल्ट मिलता है। इस मिक्सचर को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहिए, अराउंड 2 to 3 मिनट्स में पानी और पनीर अलग हो जाएंगे। यहाँ पनीर छूट चुका है, अब इसको हम छान लेंगे। ये दूध से फाड़े हुए पनीर जैसा ही स्वाद देता है, इससे मैं पनीर पराठे और पनीर भुर्जी बनाती हूँ। आज मैं पनीर भुर्जी बनाने वाली हूँ। पनीर तैयार है, बचा हुआ पानी आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय फॉर नाउ।